माशाल्लाह से मेरा बाबू आज आम खा रहा है, इसको आम बहुत पसंद सलाम है। बाबू दादा, सलाम करो बोलो इसको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बोलो नादुंदो नादुकुम। इसको ना आम बहुत पसंद है, तो ये ना आम खाता है ना बाबू। बाबू तुमको आम अच्छा लगता है? आम अच्छा हाँ लग, दादा अच्छा खा लो फिर तुम। चलो टाटा करो सबको। दादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मास्टर खुश होंगे सलामत होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है आज मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ा सा मैं बोल पा रही हूँ। और माशाल्लाह से देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह भी धुल के आ चुके हैं। अब इसको मैं जो है तय करके रख रही हूँ। और माशाल्लाह आज है 12वां रोज़ा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का भी रोज़ा जो है बहुत अच्छे से बीत रहा होगा। और हमारे साथ में फरीन, फरीन सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। फरीन हमारी कैमरा मैन भी हो जाती है, कभी कभी मेरी हेल्प भी कर देती है। तो चलो आज हम लोग हो चुका है अफ्तारी का टाइम, और चलिए देखते हैं आज क्या क्या अफ्तारी में बन रहा है। तो चलो किचन में चलते हैं। ये कपड़े जो है मैं थोड़े से जो है इसको तय कर देती, और वीडियोस पे बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया लाइक करने का, कमेंट करने का। भाइयों और बहनों आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब आप लोग के मैसेज अरे कमेंट्स आते हैं और लाइक आप लोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। तो चलो फरीन अफ्तारी का टाइम हो गया है और स्टार्ट करते हैं हाँ अफ्तारी हाँ जो है। स्टार्ट करते हैं। हम बना रहे हैं आलू की पकौड़ी, उसके बाद हम बनाएंगे ये प्याज की पकौड़ी, अब यहाँ पालक की पकौड़ी, वहाँ हमारा चिकन डोनट बनेगा। आगे का पीछे, पीछे का आगे। और यहाँ पे खाला काट रही है फ्रूट्स। जल्दी जल्दी बना रहे हैं, आज हमारा लेट होगा, 6 बज चुका है। हाँ 6 बज गए, अभी पूरा फ्राई करने को बाकी है। मम्मी लगता है आज लेट होगा। हाँ आज लेट होगा, आज हम लोग ना आराम से बैठे थे, बातें कर रहे थे, 4 बजे तक तो आराम कर रहे थे। हाँ तो इसीलिए जो है ना लेट हो गया है। कोई नहीं हो जाएगा, टाइम है अभी। कितना घंटा है? पौना आधा घंटा, घंटा होगा, आधा घंटा, पौना घंटा होगा। फटाफट छान लो, हो गया ना? अच्छा उसमें चिकन बन गया बेटा? हाँ चिकन बन गया, तो स्टीम निकल जाएगा, देखना। ठीक ठीक गैस स्लो करिए। आज हमारा गैस भी खत्म हो गया, वो तो अच्छा हुआ कि टाइम से गैस सिलेंडर वाला देखे। और लेट हो गया आज लगाने मैंने, में। आज मैंने फोन करी थी उसको कि भैया आज आए नहीं आप, अच्छा हुआ आज आ गया, नहीं आता तो क्या होता। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब खत्म होगा, और सही में देखो आज खत्म भी हो गया। बेटा वो ले लो, चम्मच ले लो, आप बार बार चाकू का यूज करती हो। अरे चाकू कंफर्टेबल पड़ता है, कंफर्टेबल पड़ता है इसीलिए, वो तो है। और यहाँ पे हमारी अफ्तारी जो है वो बन के रेडी हो रही है। ये हमारा चिकन डोनट्स है, देखिए ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ये। और फ्राई भी हो रहा है इसके अंदर, फ्राई भी हो रहा है, तो माशाल्लाह से बस बन रहा है। परी अफ्तारी वगैरह निकाल दिया? हाँ सारा निकाल दी, 2 जन। ठीक है, टाइम हो रहा है ना बेटा, टाइम हो रहा है ना बेटा, चलो। और ये देखिए कितना कड़क भी रहता है। हाँ हाँ बहुत क्रिस्पी और नरम। हाँ क्रिस्पी बना है, अच्छा बना है। हमारे यहाँ बना है मैंगो जूस, ये देखिए इसके अंदर आम डाले हैं काट के, दूध है, काजू बादाम है, और इलायची पाउडर है, और ये रेडी हो चुका है अफ्तारी के लिए हमारे। हाँ भी यहाँ, हाँ इसी में पता है
पहले का निकले थे, तो आज कई दिन हो गया था ना, तो पहले चलो समायरा हम लोग घूम के आते हैं थोड़ा सा। तो रोजा खोलते ही मैं निकल गई थी टहलने थोड़ा सा, क्योंकि 10-15 दिन हो गया था, तबीयत घबरा रही थी मेरी, तो मैं जो है तो थोड़ा सा घूमने के लिए निकल गई, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। घर में क्या ना, बैठे बैठे एक जगह जो है इंसान का जो है ना जी घबराने लगता है, तो मैं छोटी वाली बेटी समायरा को जो है कि लेके चली गई थी, थोड़ा सा घूम के लेके आई हूँ, मार्केट भी चली गई थी ऐसी, तो बस ज़्यादा देर नहीं थी, फटाफट रोज़ा खोल के निकले, नमाज पढ़ के और तुरंत आ गए। और ये फरीन हमारी जो है वो सोने चली गई थी थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो मेरा छोटा बेटा जो है वो नुसरत को छोड़ने गया था गाँव, मेरी बेटी को, तो देखिए वो वहाँ से जो है ना गांव से फरीन की अम्मी जो है वो बेल भेजी थी, तो इसका ना शरबत बनता है गर्मी में, पेट के लिए आराम देता है ना बेटा। हाँ तो देखेंगे इसको भी एक दो दिन में बनाएंगे, ये शरबत टेस्टी भी होता है पीने में, वो अच्छा पीने में, मैंने कभी फायदा भी रहता है, मैंने कभी पिया नहीं है लेकिन हाँ। इंशाल्लाह पियेंगे रमजान, इसको बेल की शरबत बोलते हैं। हाँ बेल, बेल का सर। अच्छा इसको फोड़ के कैसे निकालते हैं? फोड़ के इसको दिन भर पानी में भिगा देते। मैं कभी पी नहीं हूँ ना इसलिए मुझे पता नहीं है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। हाँ इसको फोड़ के दिन भर पानी में भिगा देंगे। अच्छा तो यहाँ पे हमारा देखिए दूध, अरे दूध पर ही यहाँ पे हमारा जो है दूध बात करने में देखिए दूध जो है ना वो गिरने लगा हमारे फरीन से, तो हमेशा ही दूध गिरता है। हाँ फरीन, हाँ गिरता है। मैंने फरीन से कहा बेटा तुम दूध मत गिराया करो, क्योंकि दूध गिरना अच्छा नहीं होता। लेकिन अब कम हो गया। हाँ अब जब से मैंने समझाई ना तो दूध कम हो गया, बच्चे हैं बच्चों से तो थोड़ी बहुत होता रहता है गलतियाँ। और आइए मेरा बेटा जो है ना फरीन की अम्मी होती थी स्पंज वाले रसगुल्ले, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फरीन लेते हैं, तो ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए व्हाइट वाले, ये स्पंज वाले जो है ना, तो यहाँ पे देखिए स्पंज वाले जो हैं ये माशाल्लाह से खाने में मुंह में एकदम स्पंजी टाइप की हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े मीठे होते हैं। कोलकाता में इसको रसोगुल्ला बोलते हैं। रसोगुल्ला, हाँ रसोगुल्ला बोलते हैं। तो इस अभी तो रमजान अफ्तारी बाद जो है तो हम लोग खाते हैं इसको, और मैंने दो पहले ही निकाल के रख दी थी क्योंकि फ्रिज में का अभी थोड़ा मुझे खाना नहीं है, तो ये मेरा जो है तो गर्म हो रहा है, हो चुका है, अब मैं इसको खा लूंगी, तो इसको मैं रख देती हूँ अंदर जब तक। और ये देखिए यहाँ पे ये ब्राउन कलर के जो हैं, ये ब्राउन वाले गुलाब जामुन है देखिए, तो ये भी जो है ना गांव के जो है ना बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में ये। और मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग का भी रोजा अच्छे से माशाल्लाह चल रहा होगा, अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे। हाँ सलामत रखे, और बस कुछ दिन रह गए हैं माशाल्लाह, कब आया रमजान, कितनी जल्दी जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, 15 रमजान से तो एकदम भागेगा ही। हाँ एकदम ही पता चल रहा है ना बेटा, तो क्योंकि लोग ईद की शॉपिंग में बिजी हो जाएंगे 15 रमजान के बाद, हमको भी लाना है शॉपिंग करनी है, अभी शॉपिंग बाकी है ना बेटा, तो चलो चलते अंदर। अब चलो ये ना कुछ सामान मैं मार्केट से लाई थी अभी, तो ईद के लिए समायरा के लिए आप दिखाओ खोल के तो जरा। मेरे लिए समायरा, थैंक यू मम्मी। तो ये देखिए ये मैंने समायरा के लिए जो है ना ये मार्केट से कड़े ली थी, देखो फरीन खोल के एक बार दिखाओ आप। गोल्डन, हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, देखो माशाल्लाह से देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, शाइनिंग भी है बहुत अच्छा लग रहा है ना। समायरा तुमको पसंद है? हाँ ठीक है, अभी मेरी और फरीन की शॉपिंग जो है वो बाकी है, तो मैं माशाल्लाह अभी 15 रोजे के बाद जाऊंगी। और ये दूसरा ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट ले ली थी मैं, दिखा दो बेटा ये देखिए ये ब्रेसलेट है समायरा के लिए लाई थी मैं, और ये भी है, और ये गले ये ये हाथ, ये ब्रेसलेट है ये देखो। हाँ ये दोनों है, दो तरीके का, दो तरीके का ब्रेसलेट है। हाँ ये दो रिंग वाला है और ये ऐसे हाथ पे पहनते। हाँ ये ऐसे हाथ पे पहनते, देखिए कैसा लगा आप लोग को।
और दिखाओ बेटा। और ये है, ये मैंने बाल में लगाने वाला है, ये बाल में लगाने के लिए ले रही थी, कोई भी लगा लेगा इसको, वो मुझे अच्छा लगा था तो मैंने ये ले ली। बन वगैरह करके पीछे लगाने में अच्छा। हाँ दिखाओ, ये बाल में लगाने वाला है, अच्छे से सीधे करके दिखाओ। ये बाल में क्या ना पीछे आप जूड़े में, और मेरी आवाज़ फंस रही है, जूड़े में आप बोलो, जूड़े में लगा सकते पीछे बाल में। हाँ देखिए बेटा, और सीधे करो अच्छे से दिखे। चलो कैसा लगा आप लोग को, अच्छा है ना, माशाल्लाह देखिए। चलो वीडियो बनाओ। और ये देखिए यहाँ पे ये खाना खा रहा है और ये बोलता है वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। सलाम करो, वालेकुम अस्सलाम। तो चलो बेटा फरीन इसको रख देते हैं, चलो रख दो, उठा बेटा डाल दो, मेरा फोन बात कर लो, आपका फोन आ रहा है फरीन, जाओ आप बात करके आओ। देखिए ये मेरा बाबू है, बार बार बोलता है दादी मेरा वीडियो बनाओ। तो बेटा तुम अपना बात करो और बताओ, 1 2 10 तक गिनती बताओ आप, 1 2 3 4 बोलो बाबू। अच्छा इससे जब भी मैं बोलती हूँ ना कि आप 1 से लेकर 10 तक आप काउंटिंग करो, तो ये जो ना कूद कूद के बताता है, ये बैठ के नहीं बताएगा, ये ऊपर नीचे जो है ना ये कूद के बता रहा है। बाबू तुम नहीं बाबू, और ABCD बोलो जोर से जोर से। अलमारी खुली हुई है उसको बंद करो बाबू। ABCD बोलो, नहीं बोलेगा ये। तो चलिए मैं इसको रखती हूँ, और आप लोग को कैसा लगा, आप मेरी और फरीन की शॉपिंग अभी ईद की बाकी है और कपड़े वगैरह भी अभी लाने हैं, तो है ना फरीन, 15 दिन के बाद चलेंगे ठीक है, और अभी समारा के कपड़े लाने हैं अभी बाकी है सब लोगों की। हाँ तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दादी के साथ अल्लाह हाफिज़ बोलो, जल्दी जाओ। वो दस्तखान इस रमजान में सबका हमारा रोजी बरकत दे अल्लाह पाक, और अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाबी दे, खासकर मेरे यूट्यूब फैमिली जो है, जितने मेरे अपने परिवार जो हैं, उन लोगों को अल्लाह पाक कामयाबी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।